यूपी में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लगा दिया है। बता दें कि उनकी सरकार ने ये बैन लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज FIR के बाद लगाया था, जिसमें आशंका जताई गई थी कि हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग की जा रही है। मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, ऐसे में अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। हलाल को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने जमकर BJP पर निशाना साधा। सहारनपुर के कद्दावर नेता पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा कि हलाल को लेकर सरकार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है और यह सरकार की बौखलाहट है। चलिए आपको भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। प्योर पॉलिटिकल स्टंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। हलाल मुसलमान जो है, मुसलमान के लिए हलाल का खाना वो है और उसको वो देख करके खाता है, तो ये सारा का सारा पॉलिटिकल स्टंट है। इनके बैन करने से या करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला किसी चीजों से। आपको बता दें कि इस मामले से कई लोग खफा नजर आए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के नाम से एक कागज का टुकड़ा दे देने से शरई तौर पर हराम चीज को हलाल और हलाल चीज को हराम नहीं कहा जा सकता। ऐसे लोग और वो संस्थाएं जो सिर्फ कागज का सर्टिफिकेट देकर किसी चीज को हलाल करार देते हैं, वो दोहरी गुनहगार हैं। BJP प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देना पूरी तरीके से धोखेबाजी है, यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायत मिली तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है, इसके बाद FIR दर्ज हुई है। वही सपा प्रवक्ता फखरूल चांद ने कहा कि व्यापारी की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है, पुलिस जांच कर रही है, हमें उस पर कुछ नहीं कहना है, जांच के आधार पर जो कार्रवाई करनी हो की जाए, पर बड़ा मुद्दा ये है कि BJP की सरकार में मिलावटी काम हो रहा है और यह सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। BJP इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखेगी, पर सवाल हिंदू मुस्लिम से अलग मिलावट खोरी का है, कैसे सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा धंधा हो रहा है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।